हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स किचन। मैं हूँ पुलुमा आप लोगों के साथ। आज का रेसिपी है पोटल दोलमा और दोलमा, एक ही चीज है। गर्मी का सीजन है और पोटल खाओ ना, पोटल दोलमा खाओ ना, ताकि कखनो हॉय फ्रेंड्स। आज के जन्य हम पोटल दोलमा बनाऊ। चलिए देख लेते कैसे मैं बनाती हूँ पोटल दोलमा। और दोलमा बनाने के लिए फ्रेंड्स पोटल तो जरूरी है, मतलब परवल तो जरूरी है, इसीलिए परवल ले लिया मैंने। सॉल्ट एज पर टेस्ट, हल्दी लिया मैंने हाफ टी स्पून, काजू पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून, खुशखुश और पोस्तो पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून, होल गरम मसाला लिया मैंने, तेज पत्ता है इसमें, छोटा इलायची है, दालचीनी है और लौंग है फ्रेंड्स। कोरिएंडर पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया मैंने 1 टेबल स्पून, किशमिश लिया, सॉल्ट लिया मैंने सॉरी शुगर लिया मैंने एज पर टेस्ट, पनीर लिया मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने गार्लिक अदरक और ऑनियन लिया, 2 ऑनियन मैं चॉप्ड करूंगी, 1 मैं पेस्ट करूंगी जिंजर और लहसुन के साथ, और 1 टमाटर लिया, इसका भी पेस्ट होगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ आप लोग फॉलो कीजिए। 2 तरीके से मैं परवल को काट के आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फास्ट प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया। अंदर से जितना भी इसका है ये निकल के मैंने बाउल में रख दिया, ये बाद में स्टाफ डालूंगी इसके लिए, इसके अंदर, और ये भी मैं रख दे रही हूँ, ये बाद में काम पे आएगा। दूसरा स्टेप आप लोगों को दिखा रही हूँ, दूसरा कैसे तरह से आप लोग अंदर से ये बीज निकालोगे परवल से। पोटल कटे नहीं थी मैंने, मतलब सारा परवल मैंने काट लिया इस टाइप से और इस टाइप। अभी मैं परवल का जो अंदर का ये बीज है मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। परवल का सीड्स का पेस्ट हम लोगों का बिल्कुल रेडी है, साथ साथ में मैंने टमाटर ऑनियन जिंजर एंड गार्लिक का भी पेस्ट बना दिया। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून लेके फ्रेंड्स मैंने गरम कर लिया। अभी इसमें कढ़ाई में मैं ऑनियन गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी एज पर टेस्ट, शुगर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, किशमिश ऐड करूंगी, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, मिक्स करके हम लोगों का ये ग्रेटेड पनीर ऐड कर देती है।
देखिए ये हो, ये पनीर का स्टाफ हम लोगों का बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। आप लोग ये ध्यान रखना, इसमें गीला नहीं होना चाहिए। देखिए सारा एक जगह आ गया है कढ़ाई में, मतलब ये हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये ठंडा हो गया पनीर का स्टाफ। अभी मैं स्टाफ डालूंगी परवल के अंदर। देखिए ये सारा परवल के अंदर मैंने फिल कर लिया। अभी मैं परवल को फ्राई करूंगी। परवल फ्राई हो गया, मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे करके मैं सारा फ्राई कर लूंगी। सारा परवल मैंने फ्राई कर लिया। अभी कढ़ाई में मैंने 6 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, गरम हो चुका है। अभी इसमें होल गरम मसाला मैं ऐड करूंगी। चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई करूंगी मैं। हल्का ब्राउन हो गया है देखिए फ्रेंड्स। अभी मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। सबसे पहले ऑनियन गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। मिक्स करूंगी अच्छे से। ये आप लोग नॉन वेज भी बना सकते हो, लेकिन एक बार ये वेज रेसिपी खाओगे ना तो नॉन वेज खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे करके बनाऊंगी। जब तक ना ऑयल रिलीज होता है इसको मैं पकाऊंगी। ऑयल रिलीज हो गया है, थोड़ा सा शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूंगी और अभी मैं पोस्तो बाटा, मतलब खुशखुश बाटा ऐड कर रही हूँ। खुशखुश पेस्ट, काजू पेस्ट, फिर से मिक्स करूंगी। एक मिनट हो गया है, अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ। एस पर ग्रेवी आप लोग ये पानी ऐड करना। थोड़ा बॉयल होने दूंगी।
फ्रेंड्स, अभी मैं परवल को ऐड कर रही हूँ। मीट को लगा देती हूँ और 10 मिनट तक इसको पकने दूँ। 3 मिनट हो गया है, मैं लीड को हटा लेती हूँ। वाओ, हम लोगों का पोटोले डोलमा रेडी। मैं अभी इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये रेसिपी अच्छा लगे ना फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो जो न्यू है अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल बटन।